अरे भैया, जिस घर में रिश्तेदार हमेशा आएंगे, कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अरे कैसे प्राप्त होगा ये बताओ। वो कहते हैं वो जा रहे हैं मार्केट, और वो कहते हैं कि थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा हमारे पास बैठ लो। वो जा रहे हैं अपने धंधे पर, और वो कह रहे हैं कि आज हमारे साथ घूम लो। बताइए कैसे सुकून हो सकता है। रिश्तेदार यानी गेस्ट सिर्फ एक दिन, और एक दिन से ज्यादा रुके तो वो रिश्तेदार नहीं हो सकता। तमाम देहाती कॉमेडियन इस पर वीडियो बना चुके हैं कि रिश्तेदार यदि ज्यादा रुकते हैं तो वहां के लोग उनसे गोबर डलाते हैं, वहां के लोग उनसे सब्जी मंगवाते हैं। तो यदि रिश्तेदारी में रहना है तो सिर्फ एक दिन रहिए। तो और दूसरी बात कि एक साल में चाहे आपकी ससुराल हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे बहन के यहाँ हो, चाहे बुआ जी हो, एनीबडी कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, सिर्फ आप साल में एक बार जाइए। साल में एक बार जाएंगे, आपका आदर भी होगा, सम्मान भी होगा, और आप से अच्छा बर्ताव भी होगा। आप बार बार जाएंगे, अपनी इमेज डाउन करेंगे, और दूसरी बात वहाँ के सम्मानी आप नहीं रहेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ से ज़्यादा बचाव करें, वो क्या है, रिश्तेदार को परमानेंटली खुद भी न रोकें, चाहे कितना भी काम बिगड़ा। और खासकर एक लड़की का भाई तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब पूछो लड़की का भाई, दूसरी ओर आ जाइए, यानी एक जीजा का साला किसी कीमत पर घर में नहीं रुकना चाहिए। उसका क्या कारण होता है कि एक लड़की को पता रहता है कि मेरा भाई है ये, यानी उस भाई यानी उस लड़की में ताकत, यानी अपने हस्बैंड से लड़ जाएगी, मैं अपने भाई से कह दूंगी, ये समझ लीजिए, आपको छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। तो हमेशा उसका हस्बैंड उससे नीचे ही रहेगा, और जहां पर हस्बैंड नीचा पड़ जाता है, हस्बैंड नीचे होता है, वहां पर हमेशा एक चीज ध्यान रखो, शांति नहीं मिल सकती। कोई बात को लेकर के वो उतना प्रेशर नहीं दे सकता, तो शांति नहीं रहेगी। खासकर लड़की के भाई से, यानी अपने साले को कभी भी घर में एक दिन की अपेक्षा दूसरे दिन न रुकने दें। मजबूरी तो खैर कोई भी हो सकती है, मजबूरी जैसे बीमारी है और कोई प्रॉब्लम है वो तो देखावारी उसकी चलती है, बट इसकी अपेक्षा और कोई रीजन है, परमानेंटली है तो मत रोकिए। रिश्तेदार का चुना हुआ घर धीरे धीरे नष्ट कर देता है, यानी कभी नहीं। एक आध्यात्मिक एक वैज्ञानिक दोनों में ही कष्टदायी है। तो आप जहां तक कोशिश हो रिश्तेदार को एक दिन रोकिए, एक दिन की अपेक्षा दूसरे दिन न रोकें। आज के लिए बस इतना ही। भाइयों, मैं आपसे बहुत अपील करता हूं कि ऐसी ऐसी आपको मोटिवेट करूंगा जिससे कि भाई जानते सभी लोग सब बात हैं, लेकिन जब मोटिवेट हम लोग वीडियो देखते हैं, मैं सब जानता हूं, मैं दूसरे की सुनता हूं, लेकिन क्यों, सिर्फ रीजन एक होता है कि उतने टाइम जब सुनते हैं और जिस चीज का हमें शरीर में कष्ट होता है उसका निराकरण निकल आता है, उसकी समस्या का समाधान निकल आता है। तो जानते सभी हैं, हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जब शेयर करेंगे तभी तो हम आपके लिए, हमें प्रसन्नता कब होती है, जब हमारे व्यू आते हैं, और व्यू आते हैं तो हम नई नई बनाने की और ज्यादा और अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं। आज के लिए राधे राधे, राम राम।